कुमार, आप देख रहे हैं अपना लाइव न्यूज। आज मैं आया हूं अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र महतो जी के पास। आज हम जानने का प्रयास करेंगे यह किन मुद्दों को लेकर इस सामाजिक और जातिगत जो संस्था है इसको आगे लेकर जा रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरा मेन मकसद है समाज को शिक्षित करना, समाज को शिक्षित करना और समाज में जितनी भी मतलब बुराइयां भी फैला हुआ है उसको खत्म करना। जहां तक मेरा मानना है जो बुराई आया है वो जातिगत ही आया है, यदि इसको खत्म करना है तो जातिगत ही होगा। इसलिए मेरा जो संगठन है जातिवाद का मतलब सपोर्ट नहीं करता है। बिल्कुल। और मैं एक दो सवाल और आपसे कहना चाहूंगा कि हम देखते हैं जितने भी नेता जो जातिगत संगठन से आए हैं या फिर किसी छात्र आंदोलन से आए हैं या अन्य तरह से मुख्य राजनीति में अभी काम कर रहे हैं, सबके सब का एक ही कहना होता है कि हम गरीब का नेता है, हम भूमिहीन का नेता है, मजदूर का नेता है, हम छात्र का नेता है। लेकिन जो उनके एक्चुअल में मूल समस्या जो बुनियादी समस्या है उनको वह गौण कर जाते हैं। हम जब पत्रकारिता के दौरान गांव समाज में जाते हैं, घूमते हैं, तो दो तीन बातें हमें प्रमुखता से नजर आती है कि आज जो भूमिहीन किसान है उनका आज फसल नष्ट हो गया, वो दूसरे के खेत पर खेती करते थे पैसा देकर, उनका फसल नष्ट हो गया फिर भी उनको पैसा देना पड़ता है, सरकार जो भी मुआवजा देती है वह भूस्वामी को ही देती है, गरीब किसान को नहीं मिल पाता है। तो इस संबंध में आप किसानों के लिए निश्चित रूप से आपने बोला कि गरीबों को हम हेल्प करेंगे, तो इसके लिए आपके आपके मन में क्या है कि आप सरकार से क्या मांग करेंगे? जी बिल्कुल, हम ना कोई पार्टी का सपोर्ट करते हैं ना कोई पार्टी का हम विरोध करते हैं। जहां तक किसान की बात है तो हम लोग का जो संगठन है गांव-गांव जाकर जितने भी भूमिहीन मतलब किसान है उनसे जाके मतलब मिलेंगे और उसके बाद जो भी परेशानी उनका रहेगा उसको मतलब जानकर सरकार के मतलब सरकार के पास उसको रखा जाएगा। सरकार को चाहिए कि उसको चिन्हित करें, जो वैसे भूमिहीन जो खेती पर निर्भर है, वैसे गरीब जो खेती पर निर्भर है उनके पास अपना जमीन नहीं है, जब फसल क्षतिपूर्ति का जब राशि आती है तो उनके लिए उनको चिन्हित करके उनको डायरेक्ट उनको सुविधा मिले, उसका फायदा मिले, ताकि वो आत्महत्या करने पर विवश नहीं हो। ठीक है। दूसरी बात, छात्रों की जहां तक आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है CBSE, साथ ही साथ इतनी भी कोर्स है, इंटरमीडिएट के बाद हम कोर्स करने जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि सब कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको महामाया प्रसाद ने 1972 में ही इंग्लिश को खत्म कर दिया था, अनिवार्यता उसकी खत्म कर दी थी। आपको क्या लगता है कि इसमें सुधार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था भी CBSE के पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में हो या नहीं हो? जी बिल्कुल, अभी इसमें बहुत सुधार की जरूरत है और हम बिहार सरकार से भी मतलब मांग करेंगे कि जो भी मतलब देश में शिक्षा व्यवस्था मतलब है CBSE स्तर पर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया होता है बिहार के सरकारी स्कूल में भी उसी स्तर के पढ़ाई मतलब किया जाए, व्यवस्था किया जाए। आप एक छात्र हैं और यहाँ आज मैं पटना में हूँ और बहुत सारे छात्र आपके साथ जुड़े हुए हैं और तैयारी भी करते हैं कंपटीशन का। हमारे साथ हैं इंजीनियरिंग किए हुए छात्र, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है बिहार में उससे छात्रों को क्या परेशानी होती है, अच्छी है कि नहीं है? बिल्कुल खराब है सर, इट्स कह सकते हैं डिजास्टर है, काला मिट्टी है, इसकी कोई ताल्लुकता नहीं है समाज के लिए। इसलिए कि इवन दो यहाँ तक कहा जाएगा कि ग्रेजुएट जो हो चुके हैं उनको एक लेटर भी नहीं लिख सकते हैं इंग्लिश में, तो क्या हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है? यही लोग बाहर कमाने जाते हैं तो पूछते हैं किस कहाँ तक पढ़े हो, कह देते हैं ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन एक भी जवाब नहीं दिए जाते हैं, तो क्या समझ सकते हैं? दूसरे स्टेट को क्या समझता है कि ये ग्रेजुएट नहीं है, फैल पूरे हैं, कोई चुनाव से। सरकारी नौकरियों में भी आप देखेंगे, बैंकिंग में,
एसएससी में और भी बड़े बड़े एग्जामों में इंग्लिश की अनिवार्यता होती है, इंग्लिश के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। साथ साथ आप तो प्राइवेट संस्थानों में भी काम करते हैं, जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी जितनी भी ईमेलिंग होती है सब की सब इंग्लिश में होती है, लेकिन फिर भी उनको हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है सरकारी शिक्षा व्यवस्था उसमें इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया, हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। तो सरकार से हमारा भी मांग रहेगा, तमाम साथियों के तरफ से भी, कि आप शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार लाएं, जो सीबीएसई की पैटर्न की जो पढ़ाई है आप कम से कम साइंस को मैथ को इंग्लिश मीडियम में करें, सरकारी स्कूल को इतना चुस्त दुरुस्त करें कि प्राइवेट वालों के यहाँ मुझे जाना ना पड़े, किसी को जाना ना पड़े, क्योंकि हम पर लूट मची हुई है जी। आपको और हमारे साथ हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीतीश महतो है। नीतीश महतो जी, आप भी संगठन से जुड़े हुए हैं? जी जी जी। तो आपका क्या मांग है राजनीतिक तौर पे आने वाले समय में, क्या आपकी जो पार्टी है आपकी जो संगठन है राजनीतिक तौर पर क्या मांग करती है? हम तो चाहते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है धनुक समाज की जो 10.5% जनसंख्या उसके अनुसार हमें राजनीति में भागीदारी चाहिए, मतलब अनुपातिक हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, चाहते हैं कि हमारे लिए सीट आरक्षित हो। हाँ, और जितने भी पॉलिटिशियन हैं गरीब किसान मजदूर पर ध्यान देते नहीं है, छात्रों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके लिए आपका संगठन क्या कुछ करने जा रहा है? मेरा संगठन ये करने जा रहा है कि जो ध्यान नहीं देते हैं गरीब पे या किसान पे या फिर शिक्षा व्यवस्था पे जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम मेधावी छात्रों को निःशुल्क आने वाले समय में तैयारी करवाएंगे, उसके संबंध मुझे कुछ बताइए। उसके संबंध में ये किया गया कि हमारे संगठन की तरफ से आगे जो है एनजीओ की स्थापना की जाएगी, उसमें जो मेधावी छात्र छात्रा रहेंगे उनके लिए उस शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, वो भी मुफ्त में, और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और सामाजिक जो सुधार है, जैसे आप देखेंगे कि गांव में मृत्यु भोज, मुंडन भोज या अन्य तरह की दहेज प्रथा, ये सब हमारे समाज को, हमारे समाज के लोगों के साथ साथ पूरे सभी समाज के लोगों में जो गरीब स्तर पर जो व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी घर की अर्थव्यवस्था को खाए जा रही है। आस्था के नाम पे लोग लाखों करोड़ों कर्ज लेकर लुटा देते हैं, लेकिन वो पैसा वो अपने बच्चों को पढ़ाने में नहीं लगाते हैं। इसके लिए आपका क्या अभियान है? मैं तो यही कहूंगा कि भगवान को तो मैं मानता हूं, मगर जो ये आस्था के नाम पे जो धंधा चल रहा है मंदिरों में दान पेटी में दान करना, या फिर जो क्या कहते हैं दहेज प्रथा हो गया, या फिर ये मृत्यु भोज हो गया, या फिर मुंडन भोज हो गया, तो इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ये सब क्यों ना बंद कर दिया जाए, बेफिजूल का जो है खर्चा जिसमें गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं, आस्था के नाम पे गरीबी ने इन्हें जकड़ रखा है। बिल्कुल, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे आने वाले जीपीएससी में एक क्वेश्चन आता है ग्रामीण ऋणग्रस्तता, उसमें ये सब बातें मुख्य रूप से आती है, और इसका जो बैरियर सबसे बड़ा होता है वो सामाजिक ताना बाना ही है हमारा, जातिगत ताना बाना, ये सब उसमें महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यदि आप पॉजिटिव वे में समाज को जोड़ने के लिए, समाज में जो कृति उसको निकालने के लिए आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी आप तमाम लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं आने वाले समय में, और आप अपने संगठन को आगे ले जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।